अरे ग्राउंड पर बहुत अच्छा खेल, ये तो बॉडी बिल्डिंग तो बाद में आए, क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने दो ही काम करे। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो भाई अगेन सो के उठ चुके हैं, आज है संडे और हमेशा की तरह अगेन आज लेट उठे, ये नहीं बोलूंगा पहली बार लेट उठा हूं, हमेशा की तरह लेट उठे, 3 बज रहे भैया, 3 बजे उठे। लेट उठने का रीजन ये है, कल सैटरडे था, लेग्स करनी थी, तो एक भाई बोले कि भाई थोड़ी रात को ट्रेनिंग करेंगे, तो उसी चक्कर में शाम को थोड़ा सा डाइट में चीट हो गया। रात को इतनी ट्रेनिंग करी कि मतलब रात को इतने बजे लेट ट्रेनिंग करी कि 1 से 1.5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करी, 2 से 2.5 बजे वो जाके खत्म हुई। देन उसके बाद घर गया, थोड़े से अंडे वगैरह रखे थे, थोड़ा सा चिकन रखा था भाई, वो बनाया वो खाया, तो उसी में सुबह के 4 से 4:30 बज गए। तो लेट उठने का रीजन तो यह, तो उठ रहे 3 बजे। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं आज अगेन क्रिकेट खेलने। रोहित भाई की कॉल आई थी कि भाई क्रिकेट खेलोगे, मैंने कहा भाई बिल्कुल खेलेंगे, और अपनी प्रेप भी चल रही है, मंडे से मतलब कल मंडे है, जो कल से अच्छी खासी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा आज और चल के देख लेते हैं। मतलब क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए आप चाह के भी मना नहीं कर सकता, जिसमें स्पेशली बॉलिंग मुझे अब करनी नहीं है, क्योंकि उस दिन 6 बॉले फेंक के देख ले, जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, 6 की जगह 8 बॉले फेंकी, 2 नो बॉल थी। मैंने कहा भैया बॉल नहीं फेंकेंगे, बैटिंग करेंगे और चुप जाके कहीं स्लिप में या फिर कवर्स वगैरह में खड़े हो जाएंगे, जहां ना भागना पड़े। तो रोहित भाई से हो चुकी है क्रिकेट खेलने की बात, बट उससे पहले चलेंगे अपना जिम, वहां पे करेंगे अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि जिस चीज से आपको इज्जत मिलती है उसको कभी भी सेकेंडरी ना रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा उसे रखें। और उसी चीज से मेरे 2-4 भाइयों ने मुझे उसका जवाब भी दिया था कि भाई आपको तो मतलब मेहनत करने के पैसे मिलते हैं। नहीं भाई, ये आपकी गलत सोच है, मैं 8 से 10 साल हो गए, 10 से 12 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। मैं ट्रेनिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, चाहे मैं पूरा दिन 24 घंटे कहीं भी ट्रैवल कर लूं, बट जब मैं अगले दिन भी घर आऊंगा तो मुझे जिम चाहिए। अगर मैं जिम नहीं करूंगा तो मेरा जो पूरा दिन है वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे अधूरा दिन गया, मैंने कुछ भी नहीं करा इसमें। तो जिम में जाके मुझे सुकून मिलता है, ये रीजन है करने का। और वही मैं आप सभी को बोलता हूँ कि भाइयों मेहनत करो, ताकि आज मेहनत करोगे तो कल आपका और आपके परिवार का आपको लेके अच्छा रहे। और एक चीज और, मेरे बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं अभी कि भाई आपने बोल के फोन का गिव अवे नहीं किया, तो मैं भाई आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, बहुत छोटी सी हमारी टीम है, 2 से 3 बंदे हैं हम, ऐसा भी नहीं है 15-20 लोग है तो किसी को काम पे लगा दे, 2 से 3 बंदे हैं। और गिव अवे वाली वीडियो में मैंने आप सभी को एक चीज बोली थी कि पहले मैं अपनी चैंपियनशिप कराऊं, देन उसके बाद 1-2 इवेंट्स हैं वो कराऊं, फिर जो हमारी गिव अवे वाली वीडियो उसके कॉमेंट्स उठाएंगे, जो मेरा भाई अच्छा कॉमेंट करेगा उसे फोन का गिव अवे कर देंगे। तो जो अगली 1 से 2 वीडियो आएगी उसमें जरूर फोन का गिव अवे करेंगे और आप सभी को दिखा के करेंगे, कोई फेक चीज उसमें नहीं होगी। तो चल रहे हैं अभी अपना जिम, रॉकी भाई का वेट कर रहा हूँ, भाई आएंगे मतलब खड़े खड़े 15-20 मिनट हो गए, तो जिम चल रहे हैं, मिक्स ट्रेनिंग करेंगे, तब उसके बाद डाइट लेंगे और जो भी सारा प्लान होगा, बैटिंग आएगी नहीं आएगी, मिलेंगे लोगों से। रोहित भाई है वहाँ पे नोन, तो एक नोन वही है, बस उन्हीं के बोलने पे जा रहा हूँ, और बाकी और कोई नोन आदमी मिलेगा तो उससे आपको जरूर मिलाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो लेके भाई आ चुके हैं अपना जिम, सारी मेडिसिन वगैरह हुई अपनी लोड, और टाइम में सबसे अच्छे सप्लीमेंट का जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए, बढ़िया स्ट्रेंथ बनी पड़ी है अपने, डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन। तो मेरे जिस भी भाई को अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी पंप चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करो, बहुत ही सस्ता और अच्छा सप्लीमेंट है। और जो इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो ये कि आप इसे अपने BCAA वगैरह में, अपने वॉर वगैरह में मिक्स करके साथ ले सकते हो, फ्लेवर में आता है, तो करवाट बिल्कुल भी नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यहाँ से जाकर आप इसे बाय कर सकते हो, मेरा कूपन कोड DC307 जरूर यूज करो। भाई पूरे 5 से 6 महीने बाद ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे और हालत आप लोग देख लो।
तो चलिए जी, ट्रेनिंग हुई अपनी कंप्लीट और फाइनली जो हाथ की अपनी इंजरी है थोड़ी बहुत पहले से रिकवर हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि मैं इससे वेट उठा पा रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद आज पुली पुश डाउन एक्सरसाइज भी करी, तो अब लग रहा है उम्मीद कि मुश्किल से मुश्किल तो 3 से 4 हफ्ते में ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो अब लेते हैं अपनी मील एंड निकलते हैं सीधा ग्राउंड के लिए। चलो भाई, आ चुके हैं ग्राउंड में और जेन्युइनली आपको बताऊं मतलब 8 से 10 ग्राउंड है पूरे इस वाले एरिया में, सब जगह लाइट ही लाइट लाइट ही लाइट। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक्सरसाइज थोड़ी हैवी होगी, उसके बाद थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो अब यहाँ खोलने के लिए एक रेड बुल लिया पहले, और अभी पता ही नहीं हम कौन सी टीम में है, कौन सी टीम से हमें खेलना है, तो देखते हैं अभी। 8-10 टीमें आ रखी हैं, 8-10 टीमें हैं। हाँ, 8-10 मतलब चारों तरफ खेल रहे लोग, बाहर देखिए स्टैंड्स देख। चलो अभी देखते हैं कौन सी टीम से खेलेंगे। ओ भाई भाई आ चुके हैं पूरे, हमें 1.5 से 2 घंटे कराने के बाद। भाई नितिन ने लेट कराया, शर्म नहीं आ रही है ना। 1.5 से 2 घंटे के बाद आ चुके हैं ग्राउंड में और यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल लेने के लिए बुलाया। तो कभी 8-10 साल पहले ट्रायल दिया था या फिर आज लेने के लिए दोबारा, या लास्ट बॉडी बिल्डिंग का ट्रायल। चलो देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा सारा बनेगा। ठीक है, उन्हीं शॉट्स की बनी हुई, 2-2 शॉट में बैट से मारो बस, ये रिकॉर्ड हो गया। कोई बात नहीं, सारी बॉल मारूंगा। अरे भाई क्या फील्डिंग है, सारी बॉल ही मारूंगा। एक तो गेम का ट्रायल था और आज इंडिया टीम के लिए। नहीं ये तो हम वैसे ही सोच के आते घर से कि क्रिकेट खेलेंगे, बट यहाँ पे कुछ और सीन निकल गया, तो अपना 10-12 बॉल बैट से लगाते घर जाके चुप बढ़िया सोते हैं। अभी आप डिसअपीयर हुए नहीं हुए? हाँ अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुए, अभी होना बाकी। गेम के बाद चले जाना चाहिए था आज, और निखर के आ जाएंगे। रोहित भाई डाल रहे, देखो रोहित भाई बॉल डाल रहे हैं, पहली बॉल वाइड। ओए क्या बात है, क्या बोले भाई, बहुत बढ़िया, देखो मेरा बहुत बढ़िया। रोहित भाई पूरा खुल गया, बॉल डाल दिया रोहित भाई साहब। जाओ 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 भैया, बॉल आप जाओ, लास्ट बॉल पूरा खुल गया, रोहित भाई बॉल डाल दिया जैसे बांध रखा हो किसी ने। तेज डाल रहे हैं भाई, देख लो देखा। अरे दूसरा है, मेरा नंबर कब आएगा? मेरा तीसरा है ना, तो सेकंड है अभी, अभी दूसरा चल रहा है, अगला आएगा मेरा वेट। देखो देखो रोहित भाई डाल रहे हैं, एक्शन देखना एक्शन। ये भी छक्का है क्या, ग्राउंड 30 यार्ड में कैच आउट हो जाता फील्डर होता, पता नहीं वही कह रहे जो वो हवा में जा रही है, वहां का छक्का होता। क्या बात है, चलो शॉट। शॉट। सामने एक एक सामने हो जाए। हाँ सही है। ये थोड़ा ना होता यार, एक ही चक्के में बाहर हो जाता। 5-6 बॉल यार बस। ये बढ़िया सब किताब है आपका, एक ही चक्के में से। मिलन भैया मेरा नाम सोनू शर्मा है और अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये तो बॉडी बिल्डिंग तो बाद में आए, क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने दो ही काम करे, टेंपल खाए और बॉल खेले। नितिन जी कहां से हो आप? हमारे शहर से यार, एलजीएच की टीम में भाई खेल रहे हैं, बट छोड़ के भाईचारे में प्यार प्रेम में कह रहे हैं।
पांच सात बॉल और खेलने दो। वो मैच खेलेंगे इसके बाद, अभी एक मोटा मोटा हाथ निकाल लेना, फिर मैच खेलेंगे आराम से, फिर पूरी बैटिंग करना आराम से। चलो रोहित भाई ऑडियंस में एक बार छक्का दिखा दो, बैठ मत छोड़ दे रोहित, कभी मुंह पे दे बैठे। ओए ओए ओए, चलो चलो बॉलर खड़ा हुआ, बॉलर समझता हूं सामने आए। हां बाबू ये भी क्या क्या गुड शूट है भाई, हर जगह से नीचे रात के नीचे क्या क्या हर एंगल से देखा जाना है। चलो हम इनके साथ हैं। हे भगवान, तो भाई नेक्स्ट बैट्समैन रॉकी भाई, सुनो छह मतलब तीन बॉल बैट तो लगानी बस, पहली खाली शॉट, ओए होए मैं अपने आदमी कैसे आउट आउट, पहले बल्ला घूम गया स्लो फेंक दी। ओए होए छक्का, वाह ये राहुल द्रविड़ वाला शॉट रॉकी भाई का। सामने से मारो इसे, सामने से देखा मैंने कही ना छह मतलब तीन ही बैट तो लगे पारी, तो पहली तीन लग गई, तीन पारी। चलो इनके बॉलर के सबके मुंह उतार दो, वाइड रॉकी भाई आओ, रॉकी भाई वापस आओ। चलो दो बॉलर, दो बॉलर, दो और दो और पार, बस बस आ जाओ भाई, खेल खेल एक अच्छा बैट्समैन चाहिए बॉलर गलत है रोनाल्डो बॉल डाल रहा है बढ़िया। खत्म डेढ़ मिनट की बैटिंग, छह में से तीन, छह बॉल खेलने के बाद एक मिनट हालत देखो, दो तीन छक्का ना मारे कितनों से ठीक करा दो यार, कौन को हराओ 80% है ना, 20% भाई थक गए अभी मैच भी होगा भाई के लिए। तो प्रैक्टिस हुई खत्म और मैच हो चुका है चालू, 10-10 ओवर का मैच है, अपनी पहले फील्डिंग है, पीछे पूरी फील्ड चल रही है और हम बैठे हैं अभी बाहर क्योंकि प्लेयर ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मैंने कहा फील्डिंग कोई और कर लेगा, अपन जाएंगे सीधा बैटिंग करने। तो 10-10 ओवर का मैच है, शायद 6-7 ओवर हो चुके हैं और भूख लगी है बहुत तेज़ क्योंकि 5-6 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, तो जल्दी से मैच ख़त्म करते हैं और चलते हैं घर, लेंगे अपनी डाइट, आप लोगों को दिखाते हैं पहले बैटिंग। अरे ग्राउंड पार लंबी करो बाउंड्री, ऐसे मजा नहीं आ रहा, ये लेदर वाला छक्का मार दिया ना, क्या बड़ी विकेटर मारे उन्होंने। ओके भाई आप अपने भाई को कैसे ट्रेन करते हो ये ट्रेनिंग आपने कब दी है तो चलिए जी खेल लिए क्रिकेट, आ गए अपने घर और रात के बज रहे हैं 2, खाना वाना खाएंगे पहले अभी, और सोच के तो मैं कुछ और गया था कि कुछ और होगा कि 11 उस टीम के होंगे 11 इस टीम के होंगे तो दोनों आपस में मैच खेलेंगे, बट वहाँ जाके कुछ और ही मिला और ऐसा लगा कि थोड़ा सा समय शायद ख़राब हुआ, इससे अच्छा अपना घर रहते, डाइट वाइट खाते और अच्छा सा वर्कआउट करते, यार खो ही नहीं, चलो खेलने गए थे खेल लिए, अच्छी बात है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले,
तो करते हैं वाली वीडियो यहीं खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है। बाकी खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। लव यू आप सभी को।